और मेरे साथ ये दो लोग कौन है पता है आपको? सुअर है एक नंबर के जे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। गौ माता तो बिल्कुल लगती है एकदम असली गौ माता। सच में राधा कृष्ण की मूर्ति देख लो आप, बहुत अच्छी बना रहे। शिव रहस्य बुक रही देखो, बहुत अच्छी अच्छी बुक है यहाँ पे। आओ आप करके देखो, चांदी की मूर्ति भी रखी हुई है यहाँ पे। मंदिर ना बहुत सुंदर है। गाइस देखो ये अपने भाई से मिल रहा, पिछड़े हुए भाई से। तू साथ है तो डरे ना सताए। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो। तो गाइस आज मैं आया हूँ दूसरी बार, मतलब वृंदा हर्बल पार्क घूमने आया, जो कि बहुत अच्छा है देखने में। और आप लोग भी, और मेरे साथ ये दो लोग कौन है पता है आपको? सुअर है एक नंबर के जे। जब भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सच में देख रहे कितने खुश हो गए इनके, इनको अच्छा नाम मिल गया यार। चल तो चलते हैं, देखो आपको दिखाते हैं वृंदा अर्बल पार्क कैसा है अंदर से। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहे कंटिन्यू, और आपको बहुत एंजॉय कराते हैं। तो चलिए भैया बने रहिए। तो गाइस हम लोग पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और हमारे साथ ये देख लो, आप देख लो इनकी शक्ल मत भूलना, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आगे भी देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा बना रखा है, मैं दूसरी बार आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अगर तो पिछली बार आया तो गर्मियों में आए, अब की बार सर्दी स्टार्ट हो गई। गाइस ना आज के ब्लॉग में ना बिल्कुल रिएक्शन आने वाले नहीं है, तो आपसे बस थोड़े हाथ जोड़ के विनती है, मतलब देख लेना ब्लॉग, क्योंकि हम पार्क में घूमने आए हैं। मम्मी पापा, पापा साथ में आए हुए, मम्मी तो नहीं आई, बाकी सिस्टर हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे इधर पार्क कैसा बना हुआ, मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे घूमने, तो आप लोग देख लीजिए जी, यहाँ बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, मतलब बने रहो। तो हम लोग आज देख सकते हो आप, यहाँ से मतलब एंट्री होती लोगों की अंदर, एक इधर भी जा रखे, इधर भी घूमने को है, और इधर भी है देखो, आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं अभी इधर जाऊँगा नहीं, क्योंकि इधर अभी एंट्री हो जाएगी, मतलब अभी तो हम जाएंगे इधर घूमने के लिए, ठीक है। और ये देखो ये गेट है, अभी जाएंगे हम। फुब्बारा नहीं चल लो, फुब्बारा नहीं चल रहा अभी। यहाँ पे देखो बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, अभी गर्मी सर्दी की वजह से यहाँ ये चला नहीं रही, नहीं तो ये पानी वाला फुब्बारा भी चलता है। ये देखो पानी भरा हुआ है इसमें, मेरा पिछला ब्लॉग है शायद, उसमें मैंने डाल रखा, उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये चला क्यों नहीं रखा, चलता नहीं अब? चलाया नहीं, पता नहीं सर्दी है, अभी नहीं चला रखा ये। और ये देखो यहाँ पे झूला, जालंग झूला आते कहाँ गए, एक जन आते दो है। और ये देखो रही, ये देखो रही, ये देखो क्या कर रही निशा, हाँ ये देखो मेरी बहन है, छुटकी बहन है ये, छुटकी मोटी। तो गाइस देख सकते हो इधर कितनी अच्छी लाइट लगा रखी है, हमारे इधर का ना फेमस पार्क है ये, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखो आज देख सकते हो यहाँ पे ना कितनी अच्छा लगता है, लाइट देखो, लाइट बहुत अच्छा लगता है सच में। ये देखो इधर झूला है, बच्चों का झूला है, ये देखो इधर झूल रहे होंगे बच्चे लोग, ये रहे, ये तो यहाँ पे तो मैंने हर तरह का पौधा पेड़ मिल जाएगा देखने के लिए, हर तरह का। गाइस ना मुझे आते आते शाम हो गई, यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा नहीं, अब मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। और ये देखो सब लोग ये देख रहे हैं, इतना सच क्यों बोलना भाई, तू इतना सच मत बोल, ठीक है, इतना सच मत बोल, ठीक है। तो हम लोग ना अभी उधर जा रहे, अभी क्या मैं झूठी बोल रहा, मैं झूठी नहीं बोलता भाई, सबको पता है, देखते हो मेरा ब्लॉग लोग देखते हैं, मैं बिल्कुल झूठी नहीं बोलते, ठीक है। तो गाइस ना आज मतलब पता है गाइस, ये कह रहा मैं असली सुअर हूँ, नकली सुअर बता तो डर लगा हुआ है। हम असली सुअर नकली सुअर की ढगन चाह रहे हैं, हाँ हाँ भाई, आप आ रहे आ रहे उधर ही आ रहे, ठीक है। तो गाइस आप उतर गाइस, चलो मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ।
ये देखो इसे देखो। तो गाइस अभी चल बने रहो साथ में, ठीक है। आज सब लोग आए थे तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, क्योंकि बारिश वारिश होगी। इसमें डाल क्या दिया है? दवा क्या? दवा दवा इसमें दवा डाल दी। दवा ये देखो ये। तो गाइस देखो ये देखो कहाँ चढ़िए। तो सुगर है ऐसे, नकली सुगर को फिर क्यों चढ़ गया? ये देखो ये सारे जानवर लगे हुए, पता नहीं जेवरा वगैरह। अब यहाँ सर्दी है, कम भीड़ होती, नहीं तो गर्मी में बहुत भीड़ होती यहाँ पे। ये देखो गेंडा हाथी सुगर है, गेंडा सुगर है ये। अब यार खींच दिए, रुक जाओ। ये देखो सब लोग कह रहे फोटो खींचो, अब वीडियो ब्लॉग बना लो, उसके बाद खींचता हूँ। गाइस देखो ये अपने भाई से मिल रहा, बिछड़े हुए भाई से। पता है ये कुंभ के मेला में खो गया था क्या, जुरासिक पार्क में? ये देखो कंगारू यहाँ पे, मतलब फोटो खिंचवाते हैं, म्यूजियम टाइम में बना रखा थोड़ा बहुत। ये देखो गेंडा हाथी भी है उधर, जुराफ भी है, और एक डायनासोर खड़ा कर रखा है। ये देखो एक ये घूम रहा, देखो भाई वीडियो बना रहा है। तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? हमारी कोई नहीं है, लगता है भैंस सुअर चराने की इसकी गर्लफ्रेंड है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। पता है यहाँ पे घूमने आते हैं, और इसमें जो गली में घूमते हैं ना, तो वहाँ पे ना बिल्कुल नंगे पैर घूमने को बोलते हैं सर्दियों में भी। यहाँ पे देखो अच्छे दिखाना एक बार नीचे कैमरा करना। ये देखो यहाँ पे छेदने वाले लगा पैर, इतने कील से गाड़ रखे बिल्कुल। यहाँ पे नंगे पैर चलने के लिए बोलते हैं, अच्छा चलो जाओ, कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। बाप रे बाप, चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा सच में मुझ पर तेरे की। इधर आ जा, इधर इधर इधर, ये देख बिल्कुल कील रखी, देख दिखा कैमरा इधर कर, देख पूरी कील रखी, मतलब कील टाइप की। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे एकदम। भाई देखो पता है यहाँ पे, पता नहीं ये कौन सा पेड़ लगा है, ड्रॉप मधु मालती, मुझे भी पता नहीं है। पर यहाँ पे ना आपको हर तरह के पौधे पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी प्रजाति के पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। देखो पता नहीं ब्रह्म कमल ब्रह्म कमल का पौधा है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे ना आपको हर तरह का पेड़ देखने को मिल जाएगा, पौधे देखने को। वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कौन सा पेड़ लगा हुआ है। देखो यहाँ पे राम फल, अखरोट और लक्ष्मण फल, राम भूटान लिखा हुआ है। देखो सब पे छुआरा, जितने भी पौधे लगे हुए हैं, मतलब जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, सब पे नाम लिखा हुआ है सब। ये देखो एप्पल, हमें तो पता भी नहीं है नाम लिखा, इसलिए पता है यहाँ के ये इसका पेड़ है। और भी दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना आप ना आओगे ना एक बार, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ब्लैक चेरी का पेड़ है ये देखो, ये यहाँ पे ब्लैक चेरी का, ये रहा ब्लैक चेरी का पेड़ है। और ये चंदन का है, चंदन का पेड़ ऐसा होता है क्या? चंदन का पेड़ देख लो, ये रहा चंदन का, ये लोबी। बाकी दोनों साइड पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इधर इधर भी और उधर भी। तो गाइस अब मैं मंदिर की तरफ जाता हूँ, मंदिर भी दिखा दूँगा आपको, बहुत अच्छा मंदिर भी बना रखा है। तो आप बने रहे मेरे साथ बस। पता है गाइस सर्दी भी काफ़ी हो रही, देख रहा हूँ बिल्कुल टोपा भी नहीं लगाया, कान में बहुत सर्दी लग रही सच में। अब जाते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं। मंदिर की एंट्री होती है यहाँ से, तो हम लोग प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर। देख सकते हो गाइस यहाँ पे मंदिर भी बहुत अच्छा बना रखा है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये देखो जितने, हाँ देख लो मंदिर ना बहुत सुंदर बना रखा है सच में गाइस। एक बार हटना इधर से, हटना भाई, ये चांदी की मूर्ति है भोले शंकर की। देखो चांदी की मूर्ति भी रखी हुई यहाँ पे, मंदिर ना बहुत सुंदर है देखो राधा की। तो गाइस अब हम ऊपर जाते, ऊपर भी है, और ये देख सकते हो जो ये जो शंकर भगवान की मूर्ति है ना, ये चांदी की है, और राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति भी है पीछे, देख सकते हो बहुत अच्छा है मंदिर सच में ये। तो हम आपको ऊपर और लेके चलते, ऊपर भी देख लो आप लोग। ऊपर का रास्ता जाता है यहाँ से, तो हम चलते हैं ऊपर।
वहां चल के देखते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ है, मतलब मेरे फैमिली मेंबर हैं सब लोग, माँ 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 सब लोग हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देखो राधा कृष्ण की मूर्ति और गौ माता की मूर्ति, ये देखो देख लो गाइस कितना अच्छा लगता है यहाँ ना, नीचे से ऊपर से ही बहुत अच्छा है। दूर से ले सब ये देख लो। तो गाइस आप देख सकते हो ना, पता है मंदिर इतना सुंदर है क्या होता है, और गौ माता तो बिल्कुल लगती है एकदम असली गौ माता से। राधा कृष्ण की मूर्ति देख लो आप, बहुत अच्छी बना रखी ना, अंदर से नहीं बहुत अच्छा लगता है। आप आओगे ना तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा आपको। और ये चारों तरफ देख लो कृष्ण लीला ना पूरी दर्शा रखी है यहाँ पे। देखो इधर सारी फोटो लगी हुई है, देखो इधर जो जो मतलब कृष्ण का कैसे जन्म हुआ था, युद्ध कंस का हुआ था, सब कुछ यहाँ पे लगा रखा मतलब। और यहाँ पे आपको ना बुक पढ़ने को मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी बुक मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ये देखो लाइब्रेरी है, सारे भगवान के बारे में जो बुक होती है वो सारी बुक है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो शिव रहस्य बुक रही, देखो बहुत अच्छी अच्छी बुक है यहाँ पे। आओ आप खाली टाइम कभी टाइम निकाल लो, यहाँ पे जरूर आओ घूमने। और आप देखो ये अर्जुन का रथ है, ये देखो श्री कृष्ण जी भगवान चला रहे, ये देखो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखो आपको यहाँ से आने जाने का मन नहीं करेगा सच में। तो हम चलते हैं, सब लोग नीचे चले गए तो हम भी अब जा रहे हैं उन्हीं के साथ। तो गाइस जनाब चलते हैं घर की तरफ, शाम बहुत हो गई और यहीं करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में, जब तक तुम पे मरते हैं।